good morning students uh, today we are going to start your exercise 3.3 in the previous exercise we have learned the multiplication of decimals number and in this exercise we will learn division suppose like first two eight simple division sum is there so one one part I will solve and the next part you will solve yourself first is divide here look at this statement. फोर्टीन थाउजेंड टू पॉइंट फोटी फाइव बाई टेन डिवाइड लिखा है और बाई की बाय है इट मीन्स क्या हो रहे हैं आपस में डिवाइड हो रहे हैं जब भी डेसिमल होगा तो आपने क्या करना है कि डेसिमल फर्स्टली डेसिमल रिमूव करना है देन डिवीज़न करनी है ठीक है बाई की जगह पे डिवीज़न आ गई डेसिमल को रिमूव किया तो नीचे क्या आएगा पॉइंट के बाद टू डिजिट इट मीनस तो नीचे क्या आएगा हंड्रेड और जब आप ए, इस तरह से डिवीज़न तो नहीं कर सकते ना तो क्या करोगे करने को इस तरह से भी कर सकते हैं लेकिन वो आपको फिर कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ पॉइंट लगना है कैसे और कैसे नहीं सो बेटर इज़ दिस फर्स्टली डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो और डेसिमल्स ओपन करके जब पिछली टर्म में हमने किया था कि जब भी डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं देन सेकेंड टर्म का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल आ जाता है डिवीज़न मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो टेन का क्या रेसिप्रोकल आ गया इट मीन्स ऑपोजिट हो जाएगा टेन का टेन का क्या आ जाएगा वन बाई टेन ठीक है और जब टू फ्रैक्शंस के बीच मल्टीप्लाई हो तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई के साइन न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर को, को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी फाइव ऑवर में हंड्रेड और टेन मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया थाउजेंड अगर हम इस तरह से इसको डेसिमल्स में खोल सकते हैं ठीक है डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं तो अगर नीचे हमारे पास थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड टेन है तो उसको भी तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल्स में जितनी ज़ीरोज़ हैं उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाते हैं राइट right साइड से ठीक है राइट right साइड ये होती है ये लेफ्ट साइड है ये राइट right साइड है अब नीचे कितनी थ्री जीरोज़ हैं थ्री डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा देना है और इसको कन्वर्ट जब भी नीचे डिनोमिनेटर में हंड्रेड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक इस इस तरह के टर्म्स आती हैं तो हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में तो थ्री डिजिट छोड़े फाइव फोर टू थ्री हो गए थ्री छोड़ के यहाँ पे क्या लग है? डेसिमल डेसीमल फोटीन पॉइंट टू फोर फाइव गट इट और सिंपल ट्रिक क्या है अगर सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आंसर देना है तो मल्टीप्लाई में मैंने बताया था कि डेसिमल राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है जितनी जीरोज हों साथ में और डिवीज़न में डेसिमल लेफ्ट साइड को शिफ्ट करता है जितनी जीरो एक जीरो थी तो एक पॉइंट आगे चला गया टू के बाद था तो आगे से एक एक डिजिट मूव करेगा तो टू के आगे डेसिमल आ जाएगा कथित नाउ सेकेंड में अब सेम वही प्रोसीजर है बट अब ये टेन की जगह हंड्रेड आ गया है तो डेसिमल खोला डिवीजन को मल्टीप्लाई में हंड्रेड का आ गया तो क्या बन गया नीचे हमारे पास थाउजेंड अब फिर से थ्री जीरो थ्री डिजिट छोड़ के डेसीमल लगा दिया तो आंसर क्या आएगा फोर पॉइंट फाइव नाइन फाइव सिमिलरली ये थर्ड है थर्ड में वहाँ पे हंड्रेड था यहाँ पे थाउजेंड है अदरवाइज रिमेनिंग प्रोसीजर इज़ सिमिलर सेम ठीक है ये मैंने ओपन किया डेसिमल को ओवर में हंड्रेड आ गया हंड्रेड और थाउजेंड क्या तो कितने बन गए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया हंड्रेड थाउजेंड टेन लैक आ गए ठीक है तो अब देखो कितनी जीरो छोड़नी है एक दो तीन चार पाँच पाँच डीजें छोड़ के ज़ीरो लगनी है एक दो तीन चार पाँच मतलब टू के आगे जीरो लग पॉइंट डेसीमन लगना है तो आगे कुछ नहीं है इसलिए हमने ज़ीरो जस्ट फॉर चेंज द शेप ऑफ द आंसर वी हैव पुट इट है ये ज़ीरो ठीक है यहाँ पे ज़ीरो अदरवाइज़ कहाँ आना था इसके टू के आगे अब देखो एक दो तीन चार पाँच पाँच डीजें छोड़ के डेसीमन लग गया नेक्स्ट आप अब आपके पास फोर्थ सम है फोर्थ में हमें एक क्या है डेसिमल दिया है और एक साथ में विदाउट डेसिमल डिजिट दिया अब टेन हंड्रेड नहीं अब कोई नुमेरिक वैल्यू आ रही है ठीक है मतलब एक्सेप्ट ऑफ टेन हंड्रेड थाउजेंड हेयर वी हैव अ वैल्यू इसको कैसे करोगे इसको पहले ओपन किया फोर्टी फाइव ओवर हंड्रेड आ गया पॉइंट डिवीज़न मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया और नाइन का आ गया वन बाई नाइन अब देखो कटिंग हो सकती है नाइन के टेबल पे फोटी फाइव भी नाइन के टेबल पे आता है और नाइन भी नाइन वन एन नाइन नाइन फाइव है फोर्टी फाइव अब मेरे पास क्या रह गया फाइव ओवर आगे आपका हो गया मैम यहाँ से कटिंग हो सकती थी कि फ़ाइव ओवर हंड्रेड को कर वो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों नहीं की ठीक है फ़ाइव ओवर क्या आ गया हंड्रेड और अब इसको मैं ईज़िली कन्वर्ट कर सकती हूँ डेस्टिमल में टू डिज़ट छोड़ के अब टू डिज़ट छोड़ के लगना है तो फाइव तो है अगर एक जो अगर कम हो डिज़ट तो हमने फाइव के साथ ज़ीरो ले लेना है ठीक है फ़ाइव के इस साइड ज़ीरो लेना है पॉइंट फाइव ये नहीं कि इधर नहीं लेना ऐसे नहीं लेना फाइव जीरो नहीं लेना फ़ाइव के दूसरी साइड ठीक है राइट right साइड नहीं लेफ्ट साइड हमने अगर डिजट कम हो तो लेफ़्ट साइड ज़ीरो लेना है तो अब क्या हो गया टू डिजिट हो गए टू डिजट छोड़ के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और ये एज इट वैसे ही हम लिखते हैं अगर नहीं भी लिखोगे ज़ीरो तो भी चलेगा हाँ जी वाई मैंने ऐसे क्यों किया देखो अगर मैं कटिंग करती फाइव वन या फाइव आई ट्वेंटी या हंड्रेड तो क्या आ जाता है वन बाई ट्वेंटी और इसको फिर से हमें डिवाइड करना पड़ता है डिवाइड करके आंसर जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव और ये अब जब आप डिवाइड करते तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम जीरो आना था कि जहाँ पे पहले पॉइंट आना था तो बेटर है कि आप इस तरह से करो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि पहले पॉइंट लेना है कि ज़ीरो लेना है गॉट इट सिमिलरली मैंने इसका सिकेंड पार्ट किया है अब देखो इसको ओपन कर दिया हंड्रेड आना है नीचे और इसका आ गया वन बाई एटीन ठीक आगे मैंने टू के टेबल पे पहले कह कटिंग की है टू नाइनर एटीन हो गया और ये इस पर कटिंग करके क्या आ गया टेन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी टू आगे नाइन के टेबल पे हो गए नाइन वन या नाइन नाइन वन या नाइन यहाँ पे बन गए एटीन नाइन टू और एटीन सेवन छोटा है तो ज़ीरो आएगी पहले और सेवेंटी टू नाइन एट सेवेंटी टू होता है अब सिमिलरली इसमें ट्वेल्व जीरो एट ओवर हंड्रेड आ गया तो पॉइंट छोड़ के दो डेसिमल लगा के कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में कटिंग इसकी भी आगे हो सकती थी टू के टेबल पे या किसी और टेबल पे बट नहीं की क्योंकि ओवर में हंड्रेड है तो ईजीली कन्वर्ट कर लोगे अगर कोई हंड्रेड के अलावा सपोज आपके पास फिफ्टी आ जाएगा फोर्टी आ जाएगा थर्टी आ जाएगा तो अब आप तब आप डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट कर पाओगे देन आपको डिवीज़न करनी होगी सो डैट्स वाई आई हैव चूज इट हेयर अब आप देखो यहाँ पे भी फिफ्थ के इस पार्ट में देखो हमारे पास एक डेसिमल है और एक पाई ट्वेंटी है तो पहले इसको खोल दिया डेसिमल रिमूव कर दिया डिवीज़न का साइन अब डिवीज़न को जब मल्टीप्लाई में लेंगे तो ट्वेंटी का क्या क्या रेसिपुक आ जाएगा देन मैंने कटिंग की टू के टेबल पर टू टेन आ ट्वेंटी टू एट आर सिक्सटीन टू थ्री आर सिक्स टू टू आ फोर नेक्स्ट मैंने इसको आगे भी कटिंग हो सकती थी लेकिन यहाँ पे कटिंग नहीं की अगर मैं सपोज़ ये आपके लिए जस्ट रफ वर्क कर रही हूँ अब वहाँ पे रह गया सिक्सटीन सिक्सटीन फोर ओवर हंड्रेड मल्टीप्लाई वन बाई ट्वेंटी कटिंग कर दी यहाँ पे क्या बन गया अब आगे फिर से कटिंग हो जाएगी टू के टेबल पे देखो टू फाइव आर टेन टू फोर यार एट टू वन यार टू टू सिक्स आर ट्वेल्व अब वो क्या बन गया फोरटीन ओवर हंड्रेड को इसके साथ फाइव हंड्रेड अब ये अब डिवीज़न करके आंसर तो यहाँ पर फिर से एट पॉइंट थ्री टू ही बनेगा बट ये डिवीज़न करनी फाइव हंड्रेड को बाहर रख के अंदर ये रख के डिवाइड करना ज़्यादा टफ़ होगा अगर आप सीधा इसको इस तरह से अगर आप इसको यहाँ से आगे मत करो डिवीज कटिंग तो नीचे क्या आ जाएगा थाउजेंड हंड्रेड और टेन थाउजेंड ऊपर तो एट हंड्रेड थर्टी टू वन के साथ होके एट हंड्रेड थर्टी टू ही रहेगा अब आप इसको ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि थ्री डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसीमल लग जाएगा और यहाँ पर आपको डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी गट इट इसी तरह से करोगे तो ये अदरवाइज ऐसे ही कटिंग करते जाओगे तो इस तरह से आपको डिवीजन में फिर से प्रॉब्लम आएगी कि पॉइंट लेना है जीरो लेनी है यहाँ पे या कुछ वो आपका कंफ्यूजन रहेगा सो बेटर है कि आप इस तरह से कर लें इसमें भी <coughs> सेम ठीक है पहले डिवीजन को वो ओपन किया डिवाइड देन वन ओवर ट्वेंटी आ गया मल्टीप्लाई चेंज हो गया तो इसका वन बाई ट्वेंटी आ गया डिविजन को साइन चेंज किया और इसका रेसिप्रोकल प्रोकल आ गया देन फिर से कटिंग की और अब मैंने फिर से आगे कटिंग नहीं की क्योंकि आगे करती तो फिर वही सेम प्रॉब्लम विल अराइज सो दैट्स वाई आई लीव इट हेयर एंड डायरेक्टली कन्वर्ट अ आंसर इन डेसीमल्स फॉर्म गॉट इट बेटा सो प्लीज़ अप टू नाउ योर होम इज हेयर सॉल्व वन टू सिक्स सम ऑफ exercise 3.3 okay better. thank you and have a nice day